आखिर क्यों दुखी होते हैं सिंह राशि वाले, क्यों सिंह राशि वालों के जीवन में इतना संघर्ष है, और 2023 से 2025 तक सिंह राशि की क्या स्थिति होगी, इस कार्यक्रम में मोटा मोटा जानेंगे। साथ ही साथ सिंह राशि वालों के क्या गुण क्या अवगुण रहते हैं, भाग्योदय वर्ष क्या होते हैं, और तीन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनसे सिंह राशि वालों को सावधान रहता है रहना है, इस कार्यक्रम में पूरा चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं 2023 से और 2025 तक सिंह राशि की कैसी स्थिति होगी, इसको मोटा मोटा जान लेते हैं, शनि से जान लेते हैं। तो शनि की स्थिति, शनि जो कुंभ राशि में आएंगे 2023 में, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति सिंह राशि वालों के लिए लाभप्रद तो नहीं नज़र आ रही है। पहला चीज, शनि की सप्तम दृष्टि देखी जाए तो आपके स्वास्थ्य भाव में, तो स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहेगी, हाथ पैरों में दर्द की दिक्कत, सर में दर्द की दिक्कत आपको रह सकती है। साथ ही साथ शनि की चतुर्थ, शनि की दशम दृष्टि अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में, तो ऐसे में भी परिवार में वाद विवाद होगा या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद पनप सकता है, ऐसी स्थिति है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पे है, माता पिता स्थान पे, तो माता पिता को के लिए कष्टकारी रहेगा शनि का 2023 से 2025। साथ ही साथ आपके काम रुक रुक के ही बनेंगे, क्लेश करके ही बनेंगे, और शनि जो है सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी दाम्पत्य भाव में बैठे हैं, यहाँ भी कारक नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि आपके पार्टनर को भी हेल्थ के इशू रहने वाले हैं, आपको भी रहेंगे और आपके पार्टनर को भी रहेंगे। तो कुल मिला के 2023 से 2025 की स्थिति सिंह राशि के लिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन मित्रों आप इसको सुधार सकते हैं। कहा जाता है ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, यानी कि जन्म पत्रिका तो बहुत लोग बाँचते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम में दिखाए हुए ड्रॉबैक को ठीक कर लेते हो तो राशियां तो खराब बताएंगी मित्रों, लेकिन आपका होगा अच्छा या आपका रहेगा नॉर्मल। तो ऐसे में क्या करना है, इसके लिए पूरा कार्यक्रम आप ये वाला जरूर देखिएगा। भाग चक्र की पांचवी राशि होती है सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और जैसा कि इनका साइन होता है राजा, यानी सिंह राशि वाले वैसे तो राजा ही होते हैं, अग्नि तत्व राशि होती है, ये जो लोग होते हैं बड़े एनर्जेटिक और ऊर्जावान लोग होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातक जातिका खेल के या स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं, स्पोर्ट्स खेलते भी हैं, गेम खेलते हैं, या फिर कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं, एनर्जेटिक व्यक्ति होते हैं, स्टेडियम ज्वाइन करते हैं, स्टेडियम के चक्कर लगाते हैं, वॉकिंग करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, यानी कुल मिला के जीवन में एनर्जेटिक रहते हैं, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इनके अंदर ईगो और एटीट्यूड कूट कूट के भरा हुआ होते हैं, यानी कि इनके ईगो को अगर व्यक्ति हर्ट नहीं करेंगे तो कुल मिला के इन लोगों से कुछ भी आप उगलवा सकते हैं, कुछ भी आप इनसे काम करवा सकते हैं, लेकिन प्यार प्यार से। अगर आप तड़ी दिखा रहे हैं सिंह राशि वालों को, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो फिर इनसे बड़ा, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शेर है, तो इनसे बड़ा एटीट्यूड वाला व्यक्ति कोई नहीं है। दिल के सिंह राशि वाले राजा होते हैं, यानी कि जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसको राजा बना देते हैं, उसको धन दौलत क्या सब कुछ दे देते हैं। तो सिंह राशि वाले कह लीजिए राजा काइंड हार्टेड होते हैं, सिंह राशि महादानी राशि है, यानी कि जिस पे मेहरबान ये हो जाते हैं, तो गधे को भी कहते हैं ना, जिस पे मेहरबान गधा भी पहलवान। तो कुल मिला के एक ही सिंह राशि वाले जिस पे मेहरबान हो जाते हैं तो कमज़ोर व्यक्ति को भी पावरफुल बनाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ देखा जाए सिंह राशि वाले जिससे नाराज हो जाते हैं उसको बर्बाद करके ही छोड़ते हैं, इसलिए सिंह राशि वाले जो भी लोग होते हैं उनके सामने एटीट्यूड एटलीस्ट मत दिखाना, क्योंकि ये जो राशि है राजा राशि है, यानी कि भगवान ने इनको राजा बनाया है, इनसे बड़ा एटीट्यूड किसमें नहीं, इनसे बड़ा काइंड हार्ट कोई नहीं, इनसे बड़ा मजाकिया कोई नहीं, यानी कि वैसे तो सिंह राशि वाले हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, मजाक करते हैं, ठीक है जी, व्यंगात्मक इनकी शैली होती है, कोई उदास भी बैठा हो सिंह राशि के साथ में बैठेंगे तो हंस जाएगा, बहुत सपोर्ट लोगों की करते हैं, लेकिन अगर आप एटीट्यूड में बात करेंगे, ज़्यादा शानागिरी दिखाएंगे, ज़्यादा चालूपंती इनके साथ में दिखाएंगे, तो फिर मान के चलिए एटीट्यूड और दिमाग में इनसे भी कोई तेज नहीं है, याद रखिएगा ये राशियों के राजा है। साथ ही साथ देखा जाए
तो सिंह राशि वाले खेलों के शौकीन होते हैं, जैसा मैंने बताया कि लाइफ में एक हिस्सा ये गेम के लिए रखते हैं या फिर योग के लिए, जिम के लिए या घूमने के लिए लाइफ में एक हिस्सा रखते हैं, एक टाइम रखते हैं। पहाड़ों में यात्रा के शौकीन होते हैं, राजनीति के ये शौकीन होते हैं, हिस्ट्री में क्या घटित हुआ है इनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, या फिर धर्म के अंदर किस पुराण में क्या लिखा है इसको बड़े इंटरेस्टिंग सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी नॉलेज होती है। सिंह राशि वाले व्यक्ति सबका सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो पीठ पूछे किसी की बुराई करना सिंह राशि वालों को पसंद ही नहीं होता, यानी कि ये बुराई किसी की नहीं करते, अधिकतर ये अच्छाई ही लोगों की करते हैं, याद रखिएगा। इनकी आदत में शुमारी नहीं होता चापलूसी करना, दोहरा व्यवहार रखना या फिर किसी की बुराई करना, इनकी आदत में ही नहीं होता। साथ ही साथ जो सिंह राशि वाले होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि अगर बुरा लगा तो बुरा बोल देंगे, अच्छा लगा तो अच्छा बोल देंगे, राजा है ये राशि। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया दयालु स्वभाव के होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। सिंह राशि वालों को जरा सा भी थोड़ा सा भी फायदा होता है तो जानवरों को कुछ ना कुछ फीडिंग कराते हैं, चिड़ियों को फीडिंग कराते हैं, गरीबों की मदद के लिए तत्पर राशि होती है। काम में सिंह राशि मेहनती होते हैं, जैसे शेर होता है वो क्या करता है कि जब कोई लक्ष्य साध लेता है तो उसके लिए जी जान लगा देता है, उसी प्रकार से जो सिंह राशि वाले होते हैं यदि इनको कोई वर्क कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो फिर ये घंटे नहीं देखते काम के, चाहे 24 घंटे इनको काम करना पड़े या 48 घंटे काम करना पड़े, ये काम को ख़त्म करके ही दम लेंगे, उसके बाद लेट भी जाएंगे, जैसे शेर की भांति काम करते हैं। जैसे शेर होता है तो जब शिकार करता है तो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, उसके बाद 4-6 घंटे आराम भी करता है, तो कुछ लोग इनको बहुत मेहनती की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग इनको बहुत आलसी की दृष्टि से भी देखते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें इनके अंदर, यानी ये मेहनती भी बहुत हैं और जीवन का मज़ा और आराम का मज़ा भी अच्छी तरह से उठाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए जो सिंह राशि वाली महिलाएं के बारे में बात करें तो सिंह राशि की महिलाएं सच्ची होती हैं, साथ ही साथ झूठ का सहारा कम लेती हैं, मैंने देखा है लाइफ में, साथ ही साथ धार्मिक महिलाएं होती हैं, लेकिन या तो उनका दाम्पत्य जीवन में अनबन रहती है या हेल्थ की प्रॉब्लम सिंह राशि वाली महिलाओं को अक्सर पाई गई है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा जो सिंह राशि की जो महिलाएं होती है वो टाइम की पाबंद होती है, जिसको कमिटमेंट कर दी सिंह राशि की महिलाओं ने उसको पूरी करके रहेगी, यानी सिंह राशि की महिलाएं सिंह राशि के पुरुषों से भी बढ़कर ऊपर है। जैसे शेरनी है तो शेरनी क्या होती है, शेर से ज़्यादा वर्क करती है, बच्चों को भी पालती है और शिकार भी करती है, उसी तरह से सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को भी घर पर भी ध्यान देती है और वर्क में भी बहुत सख्त होती हैं, याद रखिएगा। अब देखा जाए तो सिंह राशि वालों का भाग्योदय कब होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं का भाग्योदय जीवन काल में 2 बार होता है, एक तो 26 साल से लेकर 36 साल के बीच में कुछ ऐसा होगा जिसमें कि इनको अच्छा करियर का लाभ होगा या विदेश में सेटलमेंट होगा या फिर कह लीजिए कुछ ना कुछ धन लाभ होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो 26 से लेकर 36 साल के बीच में भाग्योदय होगा। दूसरा टाइम आएगा 45 से लेकर 55 साल के बीच में भी इनको अच्छा खासा लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की शत्रु राशियां जिनसे इनकी पटती नहीं है। पहली राशि है वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि। अगर ये राशियां घर के अंदर भी पाई जाती तो उनसे मतभेद रहता है, वो लोग इनकी बात नहीं मानते, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर ये ब्लड रिलेशन से बाहर राशि है तो इनके साथ फाइनेंस पार्टनरशिप कदापि भूल के ना करें, ये लोग आपको नुकसान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों में इतनी खूबियां होने के बावजूद भी जीवन में इनको क्यों दुख भोगने पड़ते हैं, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे कर्म ना बाचे कोई। पहला ड्रॉबैक सिंह राशि वाले बच्चों का, पहली चीज बात बात में अगर आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सिंह राशि शॉर्ट टेम्पर्ड राशि भी पाई गई है,
तो अगर बात बात में आपको गुस्सा आ जाता है, ईगो आप ज़्यादा रख लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप रिलेशन में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ करियर में आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करियर में भी शुरुआती दौर में कुछ सुनना पड़ता है। तो याद रखिएगा, गुस्सा बिल्कुल आपको काबू कंट्रोल करना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ सिंह राशि वालों का दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, सिंह राशि वाले हमेशा अच्छी कंपनी में वर्क, ऊंचे पद में वर्क करना चाहते हैं, इसलिए बहुत बार क्या होता है, छोटे और अच्छे पैसे वाले ऑफ़र, अच्छे पद वाले ऑफ़र ये छोड़ देते हैं वक्त को देखते हुए, या फिर ये देखते हुए ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये धन तो अच्छा दे रहे हैं लेकिन ये पद कंपनी इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये कंपनी है। तो बहुत बार क्या होता है कि उस ऊंची कंपनी से ऑफ़र ना होने के कारण ये खाली रह जाते हैं, और जिस कारण से इनको बहुत बार मजबूरी में जॉब पकड़नी पड़ती है, एवी तेवी जॉब पकड़नी पड़ती है। इसलिए याद रखिएगा कि आपको ऊंचे पद की या ब्रांडेड चीज़ों की अपेक्षा नहीं रखनी है कि वहीं आपको जॉब मिलेगी तो ये अच्छा चलेगा। आप नीचे वाली कंपनियों को भी, सामान्य स्तर वाली कंपनियों को भी महत्व दें। तीसरा ड्रॉबैक होता है हाई फाई जीवन शैली, यानी सिंह राशि वाले जातक और जातिकाएं हाई फाई ब्रांडेड चीज़ों का शौक रखते हैं, ब्रांडेड चीज़ों से नीचे ये जाते नहीं हैं, और उसके लिए बहुत बार क्या होता है, इनका आय कम होती है और व्यय ज़्यादा हो जाता है, कर्जा इनके ऊपर अधिक हो जाता है, और कर्जा जहाँ पर सिंह राशि या किसी भी राशि पर अधिक हो जाए तो उनका जीवन तबाह हो जाता है। तो हाई फाई शैली, दिखावे वाली शैली, जीवन शैली रखना भी आपके लिए कष्टकर है, इस वजह से आपका के जीवन में दुख आ जाते हैं। तो ये तीन कारण हैं, अगर आप इन तीन कारणों को सोच के समझ के अगर आप इनको सही कर सके तो सिंह राशि से महान राशि कोई भी नहीं है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।